आप माता बहने इतनी सारी संख्या में यहाँ आई, आप लोग सब बुजुर्ग और भाई इतने जोरदार तरीके से यहाँ पहुँचे हो, उसके लिए मैं आप सब की दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी। आप लोगों ने आके हमारे हौसले को अफजाई की है, उसके लिए बहुत बहुत आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से सब लोग आज रस्ते भर साचौर से निकल के आप तक आने का ये जो क्रम बना, मैं निकली थी 10:30 बजे, आप लोग तक पहुंच पाई 1:01 बजे, और ये सब रास्ते से गांव में से निकलते निकलते मैं आ रही हूँ, सब गांव वालों से पूछताछ करके आती हूँ, क्योंकि मैंने सब लोगों को यही कहा कि ये जो भी हो रहा है राजस्थान के अंदर परिवर्तन, वो परिवर्तन होगा तो गांव से होगा, ये ऊपर वालों से नहीं होता परिवर्तन। परिवर्तन की लहर नीचे से निकलती है और वो नीचे की लहर को छूना जरूरी है। मैंने सब लोगों को कहा कि जो भी काम होंगे वो पहले हम लोगों को गांव से पूछ के और नीचे से लेके ऊपर तक उसको ले जाने की कोशिश करना पड़ेगी, नहीं तो वो काम भी पूरा नहीं होगा। आज लाचड़ी, सरनाव, सूतों की ढाणी, साकड़, देवाड़ा, इन सब गांव में से निकल के मेरा आना हो रहा है। मैंने अभी देखा है एक बहुत बड़ा बड़ा फिल्म अशोक जी गहलोत का चल रहा है ईटीवी पे, उसमें ऐसा जोर से पानी आ रहा है, तो मैं ये पूछ रही थी कि ये राजस्थान की कौन सी जगह है, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ कहीं भी मैंने पानी नहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा है। लहलहाते खेत मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैंने सबसे पूछा ये लहलहाते खेत कहाँ है, तो ये कोई सरकार की देन नहीं है, अगर लहलहाते खेत है तो ये गांव वालों की और किसानों की देन है, जिन्होंने काम करके मेहनत और पसीने से राजस्थान को भोजन दिलाया। ये तस्वीर अगर आप देख लोगे, पेट्रोलियम फैक्ट्री खड़ी है, मैंने कहा मैं तो बाड़मेर से अभी आ रही हूँ, मेरे को कहीं पेट्रोलियम फैक्ट्री नहीं दिखी। हाँ ये तो जरूर कहा कि पेट्रोलियम फैक्ट्री लगाएंगे बाइकू में और वहाँ जमीन का भू माफिया लग के और जोरदार तरीके से उन्होंने जमीन की खरीद फरोख्त की। फिर जब ये आए चल के पचपदरा के अंदर भी जोरदार खरीद फरोख्त हो रही है, और मैं तो अभी तक रिफाइनरी देख नहीं रही हूँ, मैं तो खाली भूमि का धंधा देख रही हूँ, और वो जोरदार तरीके से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये बाप पनौदी जोधपुर के इलाके के अंदर सब दूर हो रहा है। ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार मैंने कहीं देखा नहीं है, और वो सरकार आप लोगों के सामने खड़ी होकर कहती है चिंता मत करो हमने सब काम कर दिया है। अभी सरनाव गांव मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जो साचौर से अपन निकले थे वो सरनाव गांव था सबसे पहले, तो सरनाव गांव वालों ने मेरे को सड़क पे रोक के कहा कि ये जो नहर ना अभी चल रही है ये पहली दफा इसमें पानी आया है 4-4.5 साल बाद, और वो भी क्योंकि आप आ रहे हो उसके एक दिन पहले, अब पानी आया है। तो गांव वालों से मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, शायद सरकार आपको दे रही है पानी। उनने कहा हमें तो विश्वास है कि आप चले जाओगे ये फिर पानी बंद हो जाएगा, ये तो काम ही आगे चलना नहीं है। एक ढाणी ने मेरे को ये कहा कि नर्मदा के पानी के लिए बड़े पाइपलाइन डलवा रहे हैं, कहीं पाइप के टुकड़े इधर डाल दिए, कहीं पाइप के टुकड़े उधर डाल दिए, पर उन गांव वालों ने कहा कि हम तो 4.5 साल नहीं, हम तो 50 साल इस सरकार के साथ रहे हैं, इसलिए हमें मालूम है कि जब भी चुनाव आता है तो सबसे पहले ये आके पाइप डाल देते हैं, सड़क के सामने डामर डाल देते हैं, वहां जाके गिट्टी डाल देते हैं, काम होना जाना कुछ नहीं है, परंतु गांव वालों को झांसे में डालने की कोशिश करने का काम ये लगातार तब से करते हुए चले आ रहे हैं, और हम अब 60 साल हो गए हैं उन बातों में नहीं आएंगे। अभी मैं आपके रानीवाड़ा को देखते चली आ रही थी, तो मैंने ये देखा कि 100 करोड़ रुपए की साचौर रानीवाड़ा जसनपुरा योजना हम लोगों ने बनाई थी, हमारे इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने आते ही रोक दिया, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और अब चुनाव के पहले 7 जून को आके फीता काट के और बड़ा जोरदार धमाका करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके बहुत खेल को आए हैं, हम आपको पानी दिलाना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम पैसे, इसका डीपीआर, इसका सब कुछ हमने करके छोड़ा था, 4.5 साल क्यों लगे खाली फीता काटने के लिए, ये फीता ही काटना था तो पहले ही काट देते तो कितने सारे लोगों को पानी का इंतजाम हो जाता और कितने सारे लोगों को उसका फायदा हो जाता। मैं अभी सावर जी यही बैठे हुए, सावर जी ने लगातार पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम के जितने पानी का काम हमारी सरकार के अंदर किया था, मैंने कहा सावर जी जरा अपन एक दफा पता तो करें कि इस इलाके के अंदर क्या क्या अपन ने काम किए। तो
पूरे का उन्होंने मेरे को नोट बना के जो दिया उसमें सिंचाई परियोजना बाड़ी सेंद्रा ना, इसके अंदर 6 करोड़ रुपया 10,000 हेक्टर सिंचित क्षेत्र योजना पूर्व कराई गई, हमने पूरा किया उसको। नर्मदा नहर से ऊंचे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट योजना है, जालौर जिले के लिए मोकमपुरा घोड़ासन ऐसे योजनाओं का काम चालू कराया जिसमें सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध हो। और मैं देख रही हूँ कि नर्मदा का पानी लिफ्टों में नहीं डालकर नदी में डाल रहे, और वो अगर लिफ्ट में चला जाता तो गांव में पहुंच जाता, नदी में जाता है तो उसका फायदा गांव के अंदर नहीं पहुंच रहा है, किसानों के अंदर नहीं पहुंच रहा है। और अगर थोड़ा सा सोच लेते तो लिफ्टों में डालकर आप तक पहुंचाने का वो लोग काम करते तो मैं समझती हूँ कि कितना सारा फायदा किसानों को हो जाता। यही जो मैंने अभी स्कीम की बात करी, ये योजना हम लोगों ने स्वीकृत की परंतु उनने कोई कार्य नहीं किया। और फिर ये विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 1,000 से ज्यादा हैंडपंप लगाए, रोज कहते हमने हैंडपंप लगाए, परंतु जलाशय जो GNR बनाई गई है उस पर आजकल पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो हैंडपंपों में क्या जरूरत है, फिर खाली दिखावा ही हुआ। और मैं जगह जगह कह रही हूँ, आदमी मेरे को सिर्फ इतना ही कहता है कि साहब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप पानी दे दो, अगर आप पानी दे दो तो पीने का पानी मिल जाए और अगर हमको सिंचाई का पानी मिल जाए तो हम तो अपने आप को धन्य समझेंगे, हमें तो इतना ही करके छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके साथ साथ किसान मुझे कहता है कि बिजली का थोड़ा इंतजाम कर दो। आज कांग्रेस की सरकार ने ये कह रखा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तो 8 घंटे बिजली आपको दे रहे हैं। किसान भाई मेरे को इतना ही कह दो, किसको मिल रहा है 8 घंटे बिजली, मिल रहा है किसी को, किसी को नहीं मिल रहा है। ये 7 गांव में और 7 महीने ये 4 महीने के अंदर हमारे 12,000 किलोमीटर निकलने के बाद मेरे को 1 गांव नहीं मिला जहां पूरे 8 घंटे बिजली किसी को मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए हैं तो 72 घंटे में नहीं आते, रिश्वत दो तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जरूर आ जाते हैं। गाड़ियों के अंदर किसी को कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कनेक्शन वालों ने बिजली अपने नाम देके अपना पैसा देके बार बार लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है परंतु उनका काम अभी तक नहीं हो रहा है। माताएं बहने, आपके लिए मैंने अलग से लाइन निकाली थी जो राजस्थान में पहली बार हुआ है, घरेलू बिजली नाम के आपके यहाँ अलग से लाइन देने का काम किया। और जब मैं 2008 में छोड़ के गई थी सरकार तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 18 से 20 घंटे बिजली आपको देने का काम किया था। अब मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी वापस आएगी तो सबसे पहले महिलाओं की घरेलू बिजली को 24 घंटे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, बहुत जरूरी है। अब मैं भाइयों आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, मुझे समझ में नहीं आता। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरे इलाके की सड़कें जर्जर पड़ी हुई है, स्कूल के अंदर जाने के लिए सड़क नहीं है, सब टूटी हुई सड़कें पड़ी हुई है। और मैं जहाँ गई हूँ मैं पूछती हूँ, अरे भाई गांव वाले यहाँ सब बैठे हो आप लोग, मुझे बता रहे हो, लिख के बता रहे हो, खड़े हो रहे हो उसके बस के सामने कि रुक जाओ हमारी बात सुनो। मैं कहा मेरे सामने तो ये सब कर रहे हो, उनके लोगों के सामने आपने किया कि नहीं किया, उनको बता क्यों नहीं रहे हो? तो वो मेरे को यही कहते जो आप कह रहे हो कि हम बताएं किसको, कौन सुनता है हमारी बात, हम तो कह कह के थक गए, धरना कर कर के थक गए, पिट भी गए, धकेले भी गए, सब कुछ हो गया परंतु हमारा कोई काम करने को तैयार नहीं है। 4.5 साल निकल गए हम भूखे प्यासे इस तरीके से बैठे हुए, हमारा कौन देखेगा? महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, किसान भाइयों ने कहा आपका डीजल आपका पेट्रोल 2 रुपए तो पेट्रोल बढ़ गया, डीजल 50 पैसे फिर बढ़ गया। और महीने महीने में मैं सुन रही हूँ कि 50-50 पैसे के हिसाब से वो बढ़ाएंगे, उनको लगता है कि गांव वालों को ध्यान नहीं आएगा, हम तो चुपचाप इसको बढ़ाते रहेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो सब चीज बढ़ती, प्याज के दाम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, किसान को कहाँ क्या मिल रहा है और बाजार में क्या मिल रहा है, ये कितना दुविधा है। इसी तरीके से गैस, माताएं बहने, मिल रहा है गैस आप लोगों को? मेरे टाइम में 260 रुपए का एक सिलेंडर मिलता था और कितना चाहिए वो ले जाओ, आज आपको 9 सिलेंडर के बाद 1,200 रुपया बैंक में देना पड़ता है, नहीं तो सिलेंडर नहीं मिलता है। आज ये स्थिति है सिलेंडर की, ये जगह जगह पे चीनी हमारे टाइम में 17 रुपए किलो होता था, अब क्या हो गया है। आज महिलाएं बार बार पकड़ पकड़ के मुझे ये कहती है कि हम अपने बच्चों की शादी कराएं तो कैसे कराएं, हमारा सोना चांदी सब महंगा हो गया है, हम अगर शादी कराना चाहते हैं तो हमारा सब कुछ घर के अंदर गिरवी रखना पड़ता है,
आज ये स्थिति हो गई है। अरे राजस्थान को आगे बढ़ाने के बजाय, विकसित करने के बजाय और गरीब छोड़ने की कोशिश की है। जब मेरे को 2004 में आपने सरकार दी थी तो बीमारू प्रदेश दिया था। उस बीमारू प्रदेश को आप सबसे राय करके, सबसे बात करके बहुत मुश्किल से गड्ढे में से निकाल के आपने पैर पे खड़ा किया और ये कोशिश की कि आगे जाने वाले प्रदेशों के अंदर भी हमारा नाम आ जाए, ऐसा हम लोगों ने कोशिश की। 5 साल निकल गए, दूसरी सरकार आ गई। आज उस सरकार ने हमको 10 साल पीछे करके छोड़ दिया है। हम लोगों को आज कर्जा करीबन 2 लाख हमारे ऊपर आ गया है, सरकार के ऊपर आ गया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर कर्जा भी उतारना है, साथ में विकास भी करना है, जिस गड्ढे में डाला था उसमें से बाहर भी निकालना है और दूसरे प्रदेशों के साथ भी कॉम्पिटिशन में आना है। बताओ ये कैसे होगा? ये हम लोग मिलकर करेंगे तभी होगा। और मैं कहना चाहती हूँ भाइयों, ये देखो बीपीएल के परिवार, हम तो कहते हैं कि बीपीएल परिवार को हम ये देंगे, बीपीएल परिवार को हम देंगे, परंतु सरकार ने चला के बीपीएल परिवारों को तो गरीब रखने की बात करी है। जो गरीब परिवार है वो आज तक बीपीएल नहीं बने, और जो अमीर लोग हैं उनके पास बीपीएल के कार्ड आ गए, तो बेचारे गरीबों का होगा तो क्या होगा? हम लोगों ने अपने समय में उसका एक जांच करने की कोशिश की थी और मैं ये सबको कह रही हूँ कि आने के बाद ये जांच करना जरूरी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और अच्छे लोगों को, जो लोग गरीब हैं उन लोगों को वो कार्ड मिले ताकि उनको फायदा मिल सके। ये मैं कहना चाह रही हूँ सब लोगों को। आज आप देख लीजिए महानरेगा का काम कहीं हो रहा है क्या भाइयों? हो रहा है कि कहीं? कहीं नहीं हो रहा है। हमारे समय में 26 लाख लोगों को महानरेगा के अंदर हमने काम दिलवाया और काम ऐसा दिलवाया कि परिसंपत्तियां बनी और राजस्थान अगर विकसित हुआ और आगे बढ़ा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन 26 लाख लोगों को जिन्होंने अपने हाथों से राजस्थान की परिसंपत्ति बनाने का काम किया। वो सिर्फ वसुंधरा राजे ने नहीं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो 26 लाख लोगों ने साथ मिलकर हमारे राजस्थान को विकसित करने का काम किया, जिनकी मैं आज पार्टी भी आज जोरदार तरीके से आभारी हूँ। आज आप देख लीजिए महानरेगा, 1 लाख लोगों को मुश्किल से नौकरी मिल रही है और जिस तरीके से हम लोग महीने महीने में महिलाओं को 100-100 रुपए के हिसाब से सबको काम कराया करते थे, बाद में उनको लुगड़ियां देने का कोशिश करते थे, आज कहीं नहीं हो रहा। आज तो 4 महीने बाकी हो गए हैं चुनाव के लिए, तो याद आता है कि हाँ जनता भी है। कुंभकर्ण भी नींद से जागे और उन्होंने सोचा कि भाई हम तो जाएंगे लोगों के बीच में जाके, आप लोगों को जगा के उनका वोट लेंगे। तो कैसे जागेंगे? कि हम लोग पेंशन देंगे आपको। अरे माता बहने, भामाशाह योजना के द्वारा 2008-2007 के अंदर मैंने 800 करोड़ की योजना बनाई थी, जिसके 200 करोड़ अभी भी बैंकों में पड़ा हुआ है। और मैंने ये कहा था कि महिलाओं के द्वारा हम कार्ड दिलाएंगे और कार्ड के ऊपर 1500 रुपया बैंक अकाउंट खोलने का प्रोत्साहन की राशि देंगे और उसके साथ साथ आपको 30,000 रुपया अपने जीवन बीमा के ऊपर देने का काम करेंगे। और मैं सब लोगों को ये कह रही थी कि उसके अंदर पेंशन, उसके अंदर सब कुछ चीज चला जाएगा, तो उसमें बीपीएल के और एससी के और एसटी के और लघु और सीमांत कृषक, इन सब के लिए 50 लाख परिवारों के लिए हमने इंतजाम करके छोड़ा था। अगर उसको ही आपने आगे बढ़ा दिया होता तो 4-4.5 साल आपको पेंशन आज तक मिली होती। ये आखिरी दिन में भागा दौड़ी पेंशन दे रहे नहीं दे रहे ये किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती। आज जो स्थिति बन रही है मैं देख रही हूँ, ये सब ढोंग, सब दिखावा, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये खाली वही चीज है जो कांग्रेस हमेशा करती है और माहिर है उसमें। चुनाव आएगा तो जाति जाति को भिड़ाओ, मजहब मजहब को लड़ाओ, इनके बीच में झगड़ा होगा तो फायदा हमारा होगा। आपको अगर उन्हें विकसित किया तो नुकसान उनका होगा। तो कहते हैं कि आपको गरीब रखा जाएगा तो इनके वोट हमको मिलेंगे। इस तरीके से लगातार करते करते आज 53 साल हो गए। गुजरात आपसे लगा हुआ है, एक गांव मुझे लगता है साकड़ था कि सेवारा था, तो आखिरी गांव था। उस गांव ने मेरे को ये कहा कि हमारी पानी की मुसीबत है, हमारी बिजली की भी मुसीबत है, पर मैडम जी हमको ये नहीं, एक गुजरात से यहाँ तक आने वाला, बॉर्डर से अंदर आने वाला कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो बहुत हालत खराब है, उसको बना दो। उसके पीछे क्या भाव था? उसके पीछे ये भाव था कि हम गुजरात में जाते हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ आते हैं, ये हमारी लाभ का सवाल है कि वो उधर से इधर आ जाते हैं तो कहते हैं कि क्या है ये, कुछ जंगल में रहता है हमारा रिश्तेदार,
तो आप अगर ये सड़क कर दोगे तो हमारी इज्जत और हमारा स्वाभिमान रह जाएगी। वो समझ के मैंने उनको कह दिया कि सबसे पहले अपन वापस आएंगे तो हमारी सड़क बनेगी, ताकि गुजरात के रिश्तेदार को आप कह सकोगे कि भैया हमारा स्टेट भी कुछ चीज है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही गड्ढे में पड़ा हुआ है, हम भी कुछ है। ये आपके स्वाभिमान और इज्जत को बनाने का काम हम करेंगे। अब उधर आप जो जाते हो, रोज रोज आपका काम है, साचौर और ये सब पूरा इलाका जाता है तो गुजरात में जाता है। मैं अभी देख रही थी कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था क्या हालत है। गांव में 70% जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो पिछले एक वर्ष से काला पड़ा हुआ है, खाली दो डॉक्टर काम कर रहे हैं और महिला चिकित्सक तो नहीं है। पूरे राजस्थान में जहां मैं गई हूँ कहीं नहीं है। और मेरे को अभी एक गांव में, कौन सा गांव का सेवाड़ा था कि कौन सा गांव का नेता है, सरपंच साहब ने मेरे को कागज दिया और एक बड़ा सा फोटोग्राफ उसके साथ लगाया। उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, ये हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये उसका गेट है और ऊपर से हमने लिख दिया कि 2 साल से ऐसा ही पड़ा है, ना तो डॉक्टर है ना कुछ है ना कहीं है। और ये कहते हैं कि मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच, कि किसकी मुफ्त दवाई और किसकी मुफ्त जांच करा रहे हैं। मैं ये पता पूछना चाहती हूँ कि टीवी पे रोज चलता है मुफ्त जांच, कौन सी मुफ्त जांच, डॉक्टर नहीं है काय की जांच। वो आपका दवाई देने वाला वहां लैब टेक्नीशियन नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, कोई सोनोग्राफी नहीं है, कुछ नहीं है। और वो कहते हैं कि यहाँ कहाँ जाते हो, रानीवाड़ा, तो रानीवाड़ा भी यही हालत है तो हम गुजरात जाते हैं। तो टीचर के लिए गुजरात, पढ़ाई के लिए गुजरात, डॉक्टर के लिए गुजरात, व्यवसाय के लिए गुजरात, तो राजस्थान का क्या हाल है। जो राजस्थान को चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं राजस्थान के साथ। हाँ वो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो दामाद है, जो कांग्रेस का दामाद है जिसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा, उसकी खातिर कर रहे हैं राजस्थान में। वो घूमता है, जमीन खरीदता है, 10-12 हजार जमीन उससे ली है, 12,000 बीघा जमीन ली है, सस्ती ली है किसानों से और बहुत महंगे भाव में बेच के वहां अपने स्विस बैंक अकाउंट के अंदर जो विलायत में है उसमें काले धन के अंदर बंद करके रखा हुआ है। हमारे किसानों को क्या दिया, हमने किसानों के लिए पूछा कि 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन जो गरीब किसान है उसको तो दिलवाओ। गरीब किसान के लिए हमारे पास भूमि नहीं है, परंतु कांग्रेस के दामाद के लिए है, कंपनियों के लिए है। हमारी किसानों की ओरणों को हमने वैसे ही दे दिया है कि आओ और ले जाओ, वहां हमारा कोई किसान, उसका कोई जानवर वहां नहीं जा सकता, वहां चर नहीं सकता। अरे ये सब चीजों को अपने को ठीक करना है। जिसकी भूमि है उसके साथ मिल बैठ के काम करने की जरूरत है, व्यवसाय भी लगेगा और किसान भी अपने पैर पे मजबूती से खड़ा होगा। यही चीजों को अपने को ध्यान देने की जरूरत है। मैं सबको कहा, आज आप देख लीजिए उधर आपका नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार खाली 15 साल पुरानी है भाई, और 15 साल के अंदर कितना काम करके और दुनिया के अंदर कैसा नाम कमा लिया है आप लोग सब जानते हैं। उधर आप देख लीजिए, वहां आपके शिवराज जी की मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल से चल रही है। 10 साल के अंदर उसने अपना नाम पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को पटे पे ला के कितना अच्छा नाम कमा लिया है। उधर देखिए छत्तीसगढ़, इतना छोटा सा, 2-10 साल से उसने अपना क्या काम किया है वो भी देख लीजिए। जब पूरा देश बिजली के अंधकार में आ गया, जब पूरे ग्रिड के ग्रिड खत्म हो गए थे, तो वो छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का था जिसने अपने पूरे कंधे के ऊपर पूरे देश का भार वह करके और बिजली देश को देने का काम किया। ये था वो छत्तीसगढ़ प्रदेश। ये 15 साल और 10 साल में इनने काम कर लिए। और राजस्थान को देख लो, 65 साल निकल गए, मेरे 5 साल को निकाल दो, भैरव सिंह जी के 7 साल को निकाल दो, और 53 साल अपन ने लगातार इन कांग्रेसियों को दिया है। कभी हमने कहा कि जाटों का अपना है, कभी कहा राजपूतों का है, कभी कहा मीरों का है, कभी कहा गुजरों का है, सबको लड़ा लड़ा के मौज मस्ती 53 साल किया और हमको गर्व में पहुंचा के छोड़ दिया। ये राजस्थान की जनता अब बिल्कुल सहने को तैयार नहीं है। ये हमने तय कर लिया है कि राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान के विकास करने के लिए हमारे नौजवान को हम आगे रखेंगे। आज हमारे नौजवानों के साथ किस तरीके का खेलवाड़ हो रहा है, आपको खाली टीचरों का हाल देख लीजिए। मैं तो दूसरों का हाल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि एक भी नौकरी नहीं मिली है। रोज अपन अखबार में पढ़ते हैं, अरे 50,000 को नहीं दी, अरे 10,000 को, अरे कहाँ है, किसको दी। मैं तो खाली इतना देखती हूँ कि अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर नए खबर आई कि 12 लाख आवेदन सिर्फ 2,000 पटवारी के पद के लिए, 12 लाख
उसमें से 7.5 लाख लोगों ने प्रतीक्षा की, 250 आपके एलडीसी के जयपुर के अंदर नौकरी, उस एलडीसी के नौकरी के लिए 3 लाख लोगों ने आवेदन करके अपना परीक्षा देने का काम किया। मैं पूछती हूँ कि अगर ये चल रहा होता तो ये इतने सारे लोग नौकरी के लिए खड़े होते क्या? ट्रेनों के ऊपर, बसों के ऊपर चढ़ के जाते क्या? अपनी सरकार ने अपने टाइम में 10 लाख नौकरी देने का काम किया था, सरकारी और गैर सरकारी। और मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों को अटकाने के बजाय सही बोल के स्टेट को इसका प्रबंधन करके और आरपीएससी के द्वारा फिर से चयन करने का काम और हमारे युवाओं को मौका देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। मुझे शर्म आती है कि आज मेरे भाई, मेरे बच्चे, आज मेरे बच्चों को गुजरात जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है कि गुजरात वाले हमारे लोगों को नौकरी दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सब काम हमारे राजस्थान के अंदर होना चाहिए, छोटी फैक्ट्री लगनी चाहिए जो राजस्थान के अंदर लगे और तभी हमारा काम होगा। मैं गई थी अभी गुजरात के अंदर 2 साल पहले, कोई ऊंझा में नरेंद्र भाई का कार्यक्रम था तो उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि ऊंझा का जो पूरा ना पूरा काम है, जीरा मंडी, इसबगोल की मंडी, सब चीज यहाँ से उठ के वहां चली गई। मेरे को इतना दुख हुआ, मैं उस कार्यक्रम में थी, मैं तो खाली देख के ये कह रही थी कि काश हमारे यहाँ होता तो हमारे कितने किसानों को फायदा हो जाता, कितने लोगों को फायदा हो जाता। और ये भी होगा भाइयों, अपन करेंगे मिलके, राजस्थान को आगे विकसित करेंगे, एक नया राजस्थान बनाएंगे, जिस नए राजस्थान के अंदर ये काम का पूरा हमारे राजस्थान में हम करेंगे और आप लोगों को वो मौका मिलेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ। अच्छा नहीं लगा, और आज मैं महिलाओं को भी कुछ कहने के जाना चाहती हूँ। महिला हमारे घर की बरकत है, हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहू की, हमारी इज्जत, हमारी नाक है। अगर हमारी बेटी के साथ, हमारी उस महिला के साथ अगर खिलवाड़ होता है, उसके साथ अत्याचार होता है, तो ऐसी सरकार को 1 मिनट के लिए भी सरकार में रखना नहीं चाहिए। आगे देख लीजिए, हमारी पुलिस कर्मी महिला, उसका बलात्कार और उसका वहां मर्डर आम लोगों की पुलिस थाने के अंदर अगर हो सक रहा है तो आगे चल के उन लोगों का होगा क्या? हमारी महिला, अगर हमारी बच्ची स्कूल जाती है तो हमारा दिल धड़कता है जब तक वो वापस लौट के नहीं आती, कि हमको लगता है कि मालूम नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा। इस तरीके के तो हमारी महिलाओं की हालत है। आज राजस्थान में पूरे देश के अंदर महिलाओं की हालत अगर खराब है तो वो राजस्थान करते हैं। मैं कह रही हूँ कि जो मुखिया है और जो मुखिया अपनी बहू बेटियों की इज्जत को संभाल के नहीं रख सकता, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, वो आगे इस प्रदेश को नहीं चला सकता। हमारी युवा, हमारी महिला, हमारे किसान और हमारे व्यवसायी सब जुड़ेंगे। इस नए राजस्थान को अगर हमको बनाना है, एक विकसित, प्रबुद्ध, खुशहाल, समृद्ध राजस्थान को अगर हमको बनाना है तो इस काम सबको काम करने की जरूरत होगी। सब 36 के 36 कौम और उनके साथ में सब मजहब, जब ये मिलके चलेंगे, जब हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, जब हम तय कर लेंगे कि राजस्थान का विकास ही होना है, तो मैं कह रही हूँ भाइयों, आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता है। इसकी तैयारी कर लो। और तो इसके लिए सबसे पहले मैं कहती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस मंच के ऊपर हमारे सब संत भी विराजमान है, और इन संतों के बिना और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना हमारा कुछ नहीं होता। किसी ने मेरे से मजाक किया था, ये कहते कि ये वसुंधरा राजे जो भी करती है वो सब भगवान के भरोसे करती है, और मुझे शर्म नहीं है इसमें कहने में कि हाँ मैं करती हूँ, ईश्वर के भरोसे करती हूँ, और ईश्वर के भरोसे जो भी काम किया है, संतों के भरोसे जो भी काम किया है, वो काम में कोई बाधा नहीं आई और उस काम को हमने पूरा किया। हमको मिला था खाली खजाना, और इन सबके आशीर्वाद की वजह से हमें पैसे की कभी कमी नहीं आई। आप बताओ, आपने मांगा, दिया कि नहीं दिया? सबको मिला। मैं ये कह रही हूँ कि सब ईश्वर और ये सब, जब ये लोग होते हैं साथ में, जब उनका आशीर्वाद होता है साथ में, तो खाली डिब्बा भी भर जाता है, और फिर आखिर में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। जो सरकार में बैठता है उसको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरा खजाना खाली है, कहीं से आ जाता है, बस उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है।
हम आपके पीछे आ गए और अब आपके बीच में आके कह रहे हैं कि भाइयों चार महीने बाकी हैं, पेंशन दे लो, साइन कर लो। वहां जाके हमारे शेखावाटी में कह दिया कि हम तो यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मालूम पड़ा कि वाइस चांसलर बना दिया, वो अपने घर बैठा हुआ है, और दो महीने के लिए भवन ले लिया किराया। अब आप लोग सब जानते हो कि जब अपन किराया लेते हैं तो 11 महीने का किराया देते हैं या 6 महीने का किराया देते हैं। जो आदमी 2 महीने का किराया ले रहा है और जो बनाने की कोई अंदाज नहीं रख रहा है, इसका मतलब यह है कि वो सोच रहा है कि यार चुनाव निकलने दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। बस 2 महीने चाहिए, बस 2 महीने निकाल, इसके बाद आपको लुगड़ी नहीं है, अरे लुगड़ी नहीं है पैसे ले जाओ, लैपटॉप अरे लैपटॉप नहीं है पैसे ले जाओ, अरे तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हें कुर्ता पजामा है कुर्ता पजामा कर ले जाओ, अरे क्या चाहिए वो सब ले जाओ। अरे मैं ये कह रही हूँ कि आज आप कह रहे हो सब ले जाओ, पूरा खजाना आपने खोल के रख दिया है। अगर यही आपने 4 साल पहले कर दिया होता तो ये सब आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं होती, यहाँ तो समृद्ध लोग बैठे होते और आपको खुले दिल से जिसने काम किया है उस काम करने वाले को मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। परंतु जिसने नहीं किया है काम, जिसने लोगों का गला दबोचा है, जिसने लोगों के जेब काटे हैं, वो खूनी हाथ को जिंदा नहीं रहने देगी। ये जनता समझदार जनता है और ये बचेगी नहीं, सब एकजुट होकर उन व्यक्तियों को हटाने का काम करेंगे जिन व्यक्तियों ने हमारे परिवारों के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने हमारे परिवार का भविष्य खत्म कर दिया है, जिन्होंने हमारे खेतों को बिल्कुल सूखा डाल दिया है, जिन्होंने हमको घर के अंदर पानी नहीं पहुंचाया है, जिन्होंने बिजली का सत्यानाश करके छोड़ा है, ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठने का मौका देंगे क्या हम लोग? तय कर लो। और मैं ये मानती हूँ महाराज जी आप लोग आशीर्वाद हो, क्योंकि हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मैं सबको ये कह रही हूँ, अकेले व्यक्ति से नहीं होता, ये जादू महाराज इन सबका है, ये सब लोग बैठे जो है वो इनका है जादू। और अगर आपका जादू है तो इस जादू को चलाओ और सबको दिखाओ कि हमारा राजस्थान भी अब विकास के पथ पे चल पड़ा है, ये खाली गुजरात नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, तमिलनाडु और दूसरे प्रदेश नहीं, ये प्रदेश भी चलेगा और ये प्रदेश भी ऐसे ऊंचाई पे पहुंचेगा जैसे इतिहास में एक जमाना था जिस समय हम लोग बिल्कुल ऊंचाई पे थे, उस तरीके से हम लोग फिर ऊंचाई पे जाएंगे, फिर स्वाभिमानी हमारा स्वाभिमान हम वापस लौटेगा, हमारी इज्जत वापस आएगी और एक समृद्ध और खुशहाल राजस्थान को बना के हम छोड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान। अरे युवा मोर्चा बड़े यूथ बैठे हुए हैं, जोरदार जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आओ साथ चले हर तरफ से आओ।